नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना इंडिया। आज हम आपको 2019 लोकसभा चुनाव के पहले की एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे। इस वीडियो क्लिप में पाकिस्तान से आए कुछ हमारे दलित हिंदू भाइयों ने अपनी दुख भरी दास्तां को बताया कि कैसे पाकिस्तान में उनके साथ जुल्म होता था और पाकिस्तान का हर एक हिंदू मोदी जी से भारतीय नागरिकता की आस लगाकर अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी लगाकर भारत आ जाता है, उसके बाद भी यहाँ पर उन्हें बैठने को जगह नहीं मिलती है। तो मोदी सरकार ने नागरिकता कानून बिल लाकर इनकी जिंदगी को कैसे खुशियों से बदल दिया, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये वीडियो क्लिप। 2019 में लोकसभा चुनाव आप क्या मानते हैं? मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री या राहुल गांधी? मोदी जी बनेंगे अपन। हाँ बिल्कुल, मोदी जी बनेंगे। सीताराम से पूछता जाओ। सीताराम जी कहाँ से आए आप? हम पाकिस्तान से। पाकिस्तान में कौन सा जिला, कौन सा स्टेट? जिला सत्ता चंद है। नहीं, पाकिस्तान में आपको क्या दिक्कत हो? पाकिस्तान में ना होते पढ़ाई को नहीं, नौकरी को नहीं, नौकरी को नहीं, गुलामी करता जी ने मारे होते मैंने बेहद दो गुलामी में बर्दाश्त नहीं करी जो मैं मारे मुल्क में आया। हिंदू हिंदुओं को परेशान करते हैं? बिल्कुल परेशान करते हैं। मोदी से क्या उम्मीद रखते हैं? मोदी से मैं तो बहुत ही बहुत ही मोदी सरकार बहुत भलाई है, बहुत धन्यवाद है मेरी। पाकिस्तान में क्या सोचते हैं लोग नरेंद्र मोदी के बारे में? पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी से उम्मीद रखते हैं कि वहाँ जाएंगे तो वो हमारे नागरिकता करेगा, हमारे हर सुख सुविधा करेगा और वहाँ पे हमें सुख की जिंदगी मिलेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। यहाँ पे और यहाँ के मूल गाँव यहाँ पे हैं और वो अपने गाँव की चाहत भी रखते आते हैं, अपनी माटी है और जहाँ जो मूल गाँव है उसकी उम्मीद जरूर रहती है, क्योंकि वहाँ पर मोदी से ये उम्मीद रखते हैं। यहाँ मोदी को देख करके लोग आ रहे हैं, उससे पहले भी आ रहे थे लेकिन जब से मोदी आया तो उनसे मतलब ज़्यादा उनको उम्मीद रखी है, जगह है कि वहाँ जाएंगे तो जरूर हमारे नागरिकता जल्द होगी। जमीन जायदाद कहाँ से मिलेगी जब तक नागरिकता नहीं होगी? प्रूफ नहीं होगा, कोई रहने का सरकार नहीं दे रही है लेकिन हम खुद कब्जा करके बैठ रहे हैं, हमको उसमें भी अतिक्रमण करना पड़ता है। अगर हम सरकारी जगह पर नहीं बैठेंगे कहाँ वहाँ से आएंगे? सरकार अगर नहीं देगी तो हम सरकारी जगह पर बैठेंगे तो आसमान में बैठेंगे नहीं या समुद्र में जाएंगे नहीं, और सरकारी जगह पर बैठते हैं तो फिर वो अतिक्रमण की श्रेणी में लेकर हमको परेशान किया जाता है। देखिए मैं छोटा आया था, ज़्यादा आज क्या दौर है लेकिन वो मैं सारा क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर है जो मैं सुनता रहता हूँ वो है कि वहाँ पर हमें आज़ादी नहीं है, जरूर भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है और जहाँ भी उनको मौका मिलता है अगर ऐसी जगह पर तो जरूर वो जो भेदभाव की स्थिति वो सामने पर रखती है। तो हिंदुस्तान की हिंदुस्तान में लोग यही सोचते हैं कि वहाँ से आप पे अत्याचार हो रहे हैं? हाँ जरूर भाई, वहाँ पर हिंदू का दर्जा लेकर बैठे, हिंदू के नाम से बैठे और वो मुस्लिम है और तो उसमें जरूर ऊंच नीच का भेदभाव का यार जरूर मतलब फर्क पड़ता है, तो ये सोचते हैं कि वहाँ पर हिंदू है हम भी हिंदू हैं तो वहाँ जाएंगे तो हमको भाई अमेरिका नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी मैं सर एक बार वापस स्पष्ट बता रहा हूँ कि वहाँ पर हमको शारीरिक जरूर कष्ट था, शारीरिक कष्ट था, यहाँ पर मानसिक कष्ट है क्योंकि हम यहाँ हैं तो हमें यहाँ भी कहा जाता है, वही लेवल लगा जाता है आप पाकिस्तानी हो, मैं नागरिक आपके सामने खड़ा हूँ, मैं नागरिकता है मेरा जन्म ऐसा समझो यहीं का है, ठीक है 4-5 साल के बच्चे को क्या पता होता है, लेकिन उसके बाद में भी अभी तक हमको कहा जाता है आप शरणार्थी, ये दबा लेके हम चल रहे हैं, सब कुछ है जब तक हम तो इस पे जीवन निछावर करके आए, लोग स्वर्ग की कामना रखते हमारे जो पाकिस्तान थे वो स्वर्ग की कामना नहीं रखते, हिंदुस्तान की कामना रखते और यहाँ की कामना रखते हैं लेकिन वो कामना होती नहीं है। अगर जिन लोगों को यहाँ आने के बाद नागरिकता नहीं मिली तो क्या वो नहीं मिलेगी तो वापस पाकिस्तान जाना पसंद करेंगे? नहीं, वापस तो पाकिस्तान जाने का सवाल ही नहीं है क्योंकि यहाँ आए हैं, यहाँ का सपना लेकर के आए हैं, वहाँ जब से उनको होश आता है बच्चा एक समझदार होता है तब से वो भारत के सपने देखता है और पूरी जिंदगी अपनी लगाता है, पासपोर्ट बनाता है, उसमें हर खर्चा लगाता है अपना, वहाँ पर घर नहीं बनाता, वहाँ से जो बना होता है वो झाड़ करके यहाँ आ जाता है, उसके बाद में वापस क्या लेने जाएगा? लेकिन हम तो यहाँ पर सिर्फ विनय कर सकते हैं सरकार के सामने। मैं एक चीज और बता रहा हूँ, अभी नागरिकता का मुद्दा तो छोड़ो होगी या नहीं होगी वो हमारे कर्मों में होगी, हम तो कर्मों में ज्यादा विश्वास हम रखने लगे हैं, लेकिन अभी जो ये हमारे यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म वीजा LTV की कार्रवाई करते रहते हैं, वीजा वृद्धि की कार्रवाई करते रहते हैं, उसके पासपोर्ट जिसकी डेट खत्म हो गई है, जिसकी पासपोर्ट वैलिडिटी खत्म हो गई है, उनको रिव्यू करवाना पड़ रहा है, रिव्यू कराने पर आप जाइए आपको पता चलेगा कि 3,000 का खर्चा लगता है एक पासपोर्ट पे, ठीक है, और जिसके घर में 10-10 परिवार है
30-40 हज़ार का रेवेन्यू पासपोर्ट होता है, और रेवेन्यू पासपोर्ट 2 साल के लिए अवेलेबल होता है, उसके बाद वापस हमको रेवेन्यू कराना पड़ता है। साल साल हमको यहाँ पर वीज़ा वृद्धि के कार्रवाई करते हैं, उसमें पैसा लगता है, उसके बाद में वीज़ा पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म होता जाती है, फिर उनको हमको रेवेन्यू कराना पड़ता है, तो उसमें पैसा जाता है, हम जो कमाते हैं वो भी सारे इसमें चले जाते हैं। भाई देखिए, मैं पक्षपात नहीं करूँगा, ठीक है मोदी से हमारी उम्मीदें हैं, अगर मोदी खड़ा आता है तो मोदी आ जाए, अगर हमारी नागरिकता अगर राहुल गांधी भी करते हैं तो हमारे लिए वो भी आ जाए, हमें वो इतना नहीं, क्योंकि हम अपने दुखों से परेशान हैं, हमारी जो सहायता करेगा, हमारे जो दुखों पर मरहम लगाएगा, हमारे लिए देवता वही होगा, चाहे मोदी जी आ जाए चाहे राहुल गांधी। उम्मीद तो मोदी से रखी है, उम्मीद मोदी से रखिए, आप बचे बचे से हमारे पूछेंगे सारा मोदी का ही नाम लेगा, लेकिन मोदी जी से मैं आपका मीडियम के माध्यम से ये आवाज़ तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि आप हमारे उम्मीदों का खड़ा खड़ा उतरे, बच्चा बच्चा आपका नाम जानता है, और आप हमारे ठीक है, कुछ किया भी है, ऐसा नहीं कुछ नहीं किया, किया भी है, लेकिन सबसे मुद्दा है हमारा नागरिकता का, और जहाँ भी वहाँ से वीज़ा मिलता है हरिद्वार का, उसके अलावा कहीं का नहीं मिलता है, जहाँ के रिश्तेदार जिसके जोधपुर में है, जिसके जैसलमेर में है, तो वो क्या हरिद्वार में रह पाएगा, वापस नहीं जाएंगे, मरेंगे तो इधर ही मरेंगे, वापस नहीं जाएंगे, वरना इधर ही पसंद किया है, इधर ही रहेंगे, इधर ही जाएंगे, नहीं गए वापस, नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए नहीं जाएंगे वापस, हम नहीं जाएंगे। मोदी जी से यही उम्मीद है कि हमारी जो नागरिकता करे मान लें, मोदी जी यही उम्मीद है नागरिकता करे, बैठने के लिए जगह दे, और जो आ रहे हैं उन्हीं की सविता करें, हम 2015 में 2015 में आए, अभी हमारे तो वीजों पर पैसे लगे, ये वो इधर आओ तो इधर पैसे लगते हैं, फिर वो वीजे हमारे डेट पासपोर्टों खत्म हो जाती है, तो उसको रिन्यू कराओ, हम तो इसे कमा कमा कर, तो हम तो अब थक गए, पैसे भर भर जो कमाते हैं उधर ही लगाते हैं, हमें तो आधे भूखे सोते हैं, आधी रोटी खा कर सोते हैं, पूरी रोटी इधर भी नहीं भर भी मिल रही, क्योंकि जो कमाते हैं वो बोलते हैं जाओ रिन्यू कराओ, 3,000 कहाँ से आए, हमारे परिवार में 10-12 पासपोर्ट है, 12 पासपोर्ट का अब कितना पैसा लगता है, 3,000 हिसाब से कितना पैसा लगता है, कहाँ से हम भर पाएंगे, ना रहेंगे इधर भी, बिल्कुल मरना पसंद किया रहेंगे इधर। देखिए आप, हमारी इतनी भावना है कि हमें एक और चाहे हम आधी रोटी खाएंगे तो भी रहेंगे, लेकिन हमारी इतनी भावना थी, यहाँ के लोगों की भी कुछ फर्ज बनता है, मोदी जी का भी तो कुछ फर्ज बनता है, यहाँ के नेताओं का भी कुछ फर्ज बनता है, हम इतनी भावना लेकर बैठे हैं, हमारे साथ ऐसे समझो आपने रामायण देखा, क्योंकि उनके में वो बिछोड़ा पड़ा, हमारे घर घर में रामायण की कहानी है, किसी की पत्नी वहाँ पर है, किसी का बाप वहाँ पर है, किसी की माँ वहाँ पर है, किसी का क्या वहाँ पर है, और जिंदगी भर के लिए हम मतलब बिछोड़ा लेके बैठे हैं, अगर वहाँ पर एक्सपायर हो जाता तो यहाँ पर रोक के बैठ जाते हैं, यहाँ पर हम शोक मना लेते हैं, हमारे पास इतनी भावना है, तो यहाँ पर कुछ समझना चाहिए। दिक्कत तो बिल्कुल होती है ना, मुसलमानों को देश है तो बिल्कुल वो दिक्कत तो करते ही है, पूजा पाठ बिल्कुल करते हैं, भाई आप हिंदू हो तो ना करो पूजा पाठ, वो तो बिल्कुल करते ही है, करते हैं जो वो तो 2015 में जब आप आए थे उस टाइम मोदी की सरकार, हाँ बिल्कुल मोदी से उम्मीद लेके आए थे, हाँ बिल्कुल मोदी जी ने ठीक किया है हमारे लिए, बिल्कुल हम जहाँ भी मोदी ने कहा, जो भी आ रहा है जहाँ भी बैठा है उसको वहाँ बैठने की जगह दी जाए, बैठने के लिए सबको मोदी जी ने तो किया है, पर इधर के लोग हैं जो अफसर लोग हैं वो नहीं करते तो नहीं करते, मोदी जी ने सब कुछ किया है। मोदी जी तो वहाँ के हिंदू भी, हम भी यही सोचते थे मोदी जी बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल हमारे को तो हमारे तो मोदी जी के बिल्कुल हमारे तो मोदी जी ने बहुत सविता की है, इधर आके जहाँ बैठे हम बैठे सुखी बैठे, बिल्कुल बैठे हैं जहाँ सुखी बैठे, हाँ बिल्कुल शेर है मोदी जी, शेर ही रहेगा, भारत का शेर ही रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो क्लिप में बस इतना ही, आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लिप को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए अपना इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।